बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। क्या बात है यार, मतलब जरा रंगत देखो भाई, मटर पनीर की बड़े बड़े रेस्टोरेंट ढाबों में भी आपको ऐसा मटर पनीर नहीं मिलेगा। और बेचारे जैसे कि बता सर, सबसे बड़ी उसकी गलती है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए, बिल्कुल वो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। की तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा और आप मेरे को बताइएगा कि मैं गलत। गौरव भाषण संघ से कोई शिकायत नहीं है, अब आज भी अगर गौरव भाषण यहाँ पर आएंगे तो हमारा सम्मान वही होगा जो पहले। अब तो भाई ये आपके सामने बात है कि कहीं कहीं उनका दिल दुखा है, क्यों हमने जान बूझ दुखाया नहीं है। अगर अनजाने में दुख गया है तो उसके लिए हमें सजा जो है बरकरार है, हम तैयार बैठे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डेड पहाड़ी बॉय, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो गाइज, आज की वीडियो कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कोई सोशल कॉज को लेकर या कोई अच्छे मैसेज को लेकर कोई भी वीडियो होगी तो मैं इस चैनल में डालने से वो बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा। मैं आपके सामने वो जरूर शेयर करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वीडियो आपके सामने शेयर करनी चाहिए। तो आज वीडियो देख के आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बाबा के ढाबा की। कुछ महीने पहले मैं खुद बाबा का इंटरव्यू लेने गया था, खुद बाबा से बात करने गया था, लेकिन उस टाइम पे मिल नहीं पाए थे, शायद आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन मैंने गौरव भाषण से कई सवाल पूछे थे जहां गौरव भाषण ने कई अच्छे से जवाब दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, बाबा रातों रात मतलब चमकना, जिससे रातों रात बाबा बहुत फेमस हो गए। बाबा का नाम था कांता प्रसाद, कांता प्रसाद बहुत फेमस हो गए, आप शायद 81 ईयर के हो गए होंगे। और उसके बाद उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट खोलने के बाद वो लॉकडाउन में चला नहीं, उसके बाद वापस 7 तारीख को जब लॉकडाउन अभी खुला तो बाबा वापस आ गए। तो बात ये नहीं कि बाबा वापस आ गए, बात ये है कि यार बाबा पे इतने मीम बन रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ। तो गाइज मेरा बस कहने का मतलब यही है सिंपल से कि यार वो एक 80 साल के बुज़ुर्ग हैं, ठीक है। 80 साल के बुज़ुर्ग को समझ नहीं आता कि जब उसके पास इतना पैसा आया था तो वो इतना उड़ा क्यों था, और अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो वापस ज़मीन पर आ गया है। तो आई थिंक हम लोगों को वो नहीं बोलना चाहिए जो इतने मीम उस पर बन रहे हैं। तो मैं बाबा का इंटरव्यू देख रहा था जहाँ रिपोर्टर पूछ रहा था कि बाबा वापस आपको आना पड़ा और कितना खर्चा आ गया, ऐसी क्यों दिक्कत आ गई कि आपको वापस ढाबे पे आना पड़ा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन में देखो बाबा का ही नहीं बल्कि सारे बिजनेस लॉस हुए हैं। रेस्ट्रो जितने भी खुले हैं उस टाइम पे इतना लॉस हुआ रेस्ट्रो वालों को, सब लोगों को बहुत लॉस हुआ है, सबकी जॉब चली गई। तो बाबा क्या चीज़ है यार, उनका भी रेस्ट्रो नहीं चला। तो मैं इंटरव्यू जस्ट देख रहा था तो उसमें जस्ट बताया कि बाबा का जो महीने का रेंट है वो 35,000 था, जिसमें 18,000 दो जनों को स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती थी और उनके मैनेजर अलग से थे। टोटल एक लाख का खर्चा महीने का बैठ जाता था, जिसमें उनकी कमाई जो है सिर्फ 40,000 रहती थी। तो ऑफकोर्स यार अगर 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो 3 महीने में उनको जो है रेस्ट्रो बंद करना पड़ा। और दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि बाबा जो आपने स्वाद ऑफिशियल मतलब गौरव वासन करके जो यूट्यूबर थे उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उन पर आपका क्या कहना है। तो बाबा ने उस पर बोला कि यार मैंने उस टाइम पे कोई आरोप नहीं लगाए थे, एक्चुअली गौरव वासन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। बाबा ने मान लिया है कि गौरव वासन ने उनका बहुत सपोर्ट किया, गौरव वासन उनके बहुत सपोर्ट में खड़े हुए थे, लेकिन कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स और कुछ क्रिएटर्स वहाँ पहुँच गए थे जिन्होंने बाबा को बहुत माइंड डाइवर्ट किया और कुछ के कुछ साइन करवा लिए, क्योंकि जब लेटर पे जो साइन हुआ, एफआईआर पे जो साइन हुई थी जो बाबा ने गौरव के खिलाफ की थी, उसमें बाबा ने बोला है कि मुझे पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, ना मेरे को हिंदी आती ना मेरे को इंग्लिश आती थी, बस उन लोगों ने बोला इसलिए मैंने वो साइन कर लिया। सो गाइस इतनी सी बात है, बस ये था कि यार वो एक 81 ईयर ओल्ड है, मतलब अगर उनको नॉलेज नहीं है कि कब क्या करना है कब क्या करना, इतनी भीड़ हो चुकी थी, इतने लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, वो मतलब भाग गए थे कि एक्चुअल में रीज़न क्या है, एक्चुअल में बात क्या है, उनको क्या बोलना है, कहाँ साइन करने है, इतने लोग उनके पास आ चुके थे। और अब जब मौका आया दोबारा साथ देने का तो वापस सब ने उनका हाथ छोड़ दिया है। ये भी उन्होंने बोला कि जो लोग उस टाइम पर सपोर्ट में खड़े थे, गौरव के अलावा सपोर्ट में खड़े थे, आज वो सब चले गए, इसलिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ रहा है और मैं वहाँ का रेंट जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सो गाइस मेरा इसमें जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि मेरे पास जस्ट अभी टॉपिक आया, तो मेरा एक वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि यार देखो उस टाइम पे ना कांता प्रसाद जी की गलती थी ना गौरव की गलती थी उन क्रिएटर्स की, उन यूट्यूबर्स की, जो उस डोनेशन को जो स्कैम में काउंट करने लगे कि स्कैम हुआ है इतनी डोनेशन का, 18 लाख आए थे बाबा को 2 लाख मिले हैं, उन सब चीज़ों के पीछे जो बहस कर रहे थे उन क्रिएटर्स की गलती है जिसकी वजह से बाबा को शायद आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और इसी के अगेंस्ट में कल ही गौरव का मैंने पोस्ट देखा था, तो उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कर्मा,
और कर्मा के नीचे इतने कमेंट थे, मतलब इतना नेगेटिविटी थी, इतनी कांता प्रसाद को इतनी गाली मिल रही थी, मतलब जिसका शायद लॉजिक नहीं था। क्योंकि यार समझो, वो एक 80 साल के बुजुर्ग हैं। अगर आप 80 साल के बुजुर्ग को कुछ समझाओगे, 80 साल के बुजुर्ग और 4 साल के बच्चे का दिमाग सेम ही होता है, अगर आप उसे कुछ अच्छा समझाओगे तो वो भी समझेगा, लेकिन 10 लोग अगर उसे उस चीज़ के लिए भड़काएंगे तो वो भी समझेगा, वो भी करेगा जो 10 लोग उसे कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो है गौरव बिल्कुल अकेला पड़ गया था। शायद उन्होंने एबीपी को इंटरव्यू के दौरान शायद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और ये कुछ बातें उन्होंने बोली थी। चाहते हैं बहुत आसान होता है किसी को डीफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट सच्चाई जब सामने आएगी ना आपके, तब आप सब उसको देखिएगा। सो गाइस, पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, जब से 7 तारीख से बाबा का ढाबा जो ओपन हुआ, उसके बाद मतलब लोगों ने मीम इस तरीके से बना दिए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं। तो कुछ कमेंट ऐसे थे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे, इट्स नॉट जस्ट लाइक बाबा का ढाबा बट एंटायर कंट्रीज रेस्टोरेंट कोलैप्स ड्यूरिंग कोरोना, प्लीज़ स्टॉप द नेगेटिविटी अराउंड द ओल्ड कपल, द वर्ड लाइक घमंड एंड ऑल, इफ़ यू कॉन्ट हेल्प डोंट पुल एनीवन डाउन। तो इतना इन्होंने इतना अच्छा कमेंट करा, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट जो थे वो ये थे, टू मच फेम टू सून कैन बी डेडली बाबा का ढाबा। और कुछ जो गौरव के नीचे पोस्ट के नीचे कमेंट है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि उन्होंने मदद मांगी ही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं, घमंड हर इंसान को नीचे गिरा देता है, सेव आदमी को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो पचा नहीं पाता। तो गाइस, मेरा बस ये वीडियो बनाने का मकसद पीछे यही है कि मैं गौरव से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब स्वाद ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाबा ने उनको इन्वाइट किया है, अगर गौरव, क्योंकि ना देखो मैं आपका ईगो समझता हूँ, आपका दर्द मैं समझता हूँ, बाबा ने उस दिन आपको क्या बोला, आपके खिलाफ़ FIR कराई है, लेकिन ह्यूमैनिटी क्या होती है यार, ह्यूमैनिटी बस यही होती है कि गौरव, अगर बाबा ने उनको इनवाइट किया है, गौरव जो है बहुत छोटे हैं बाबा से और बाबा बहुत बड़े हैं, तो अगर कांता प्रसाद ने उनको इन्वाइट किया तो बस मेरा यही है कि जो है गौरव उनके पास जाएँ और अच्छे से एक और वीडियो बनाएं। सब पीछे की चीज़ों को भूल जाते हैं यार, मतलब हैप्पीनेस यही है क्योंकि बाबा वापस आ चुके हैं और बाबा ने एक बार फिर से वही शुरुआत कर दी है। तो गाइस, मेरे व्यूज़ ये थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। तो जो भी होगा आप मुझे प्लीज़ बताइए आप क्या चाहते हैं, और नेगेटिविटी दूर रखो यार, कोरोना ने बहुत पॉजिटिविटी करी है, तो नेगेटिविटी दूर रखो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच। देखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें ना उनको थोड़ा आराम देना चाहिए, बहुत बुजुर्ग हैं वो, और बेचारे सुबह से लगे 6:30 बजे से एक ही टांग पे, आंटी की टांगे बिल्कुल कमजोर हैं और उनके घुटने जवाब दे चुके हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार आप इनकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो 2-4 दिन के बाद आप इनके पास आइए और इनका खाना खा के जाइए, कि उससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं है। और गौरव बासन से कोई शिकायत नहीं है, अब आज भी अगर गौरव बासन यहाँ पर आएंगे तो हमारा सम्मान वही होगा जो